श्री मधुराष्टकम। हरे कृष्ण। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदयम मधुरम गमनम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम भाषणम मधुरम बलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रामितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। वेणु मधुरा रेणु मधुरा पाणी मधुरा पादो मधुरो नृत्यम मधुरम साख्यम मधुरम नृत्यम मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। गीतम मधुरम पीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सूक्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। करणम मधुरम तरणम मधुरम हरणम मधुरम रमणम मधुरम वमितम मधुरम शामितम मधुरम वमितम मधुरम शामितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम।
मधुराधिपते रखिलं मधुरं गुंजा मधुरा माला मधुरा जमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं वक्तं मधुरं हृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं हृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गोपामधुरा गावो मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं अधरं मधुरं बदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री राधा गोपीनाथ भगवान की, श्रील मधुपंडित गोस्वामी पाद की, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, श्रील गुरु महाराज की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्रणितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरी यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरु दिनतारिणे परमानंदमाधवम्। ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय। हरे कृष्ण। समस्त भक्तों के चरण कमलों में मैं मथुराधिष्ठास वृंदावन धाम से दंडवत प्रणाम निवेदन कर रहा हूँ। विशेष करके मैं अपने आराध्यतम शिक्षा गुरु श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज, दीक्षा गुरु श्रीमद् राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज तथा हम सभी के शिक्षा गुरु श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में विशेष विनती प्रार्थना करते हुए इस प्रयोजन तत्व को आधार करते हैं जो हमारी चर्चा कतिपय दिवस से चल रहा है, उस पर कुछ कहने की चेष्टा कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। तो हम कल प्रयोजन के जो विग्रह श्री गोपीनाथ जी के बारे में चर्चा कर रहे थे, मूलतः जैसे कि बजनाम जी के द्वारा प्रतिष्ठित गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन में गोपीनाथ विग्रह अन्यतम है, जो कि आज के समय में जयपुर शहर में विराजमान है, गोविंद जी के मंदिर के समीप ही, ज़्यादा दूर नहीं है। और भी दो विग्रह की चर्चा यहाँ पे हम करना चाहते हैं, जो कि साक्षी गोपीनाथ और खीरचोरा गोपीनाथ, टोटा गोपीनाथ भी, जो कि हमारे परंपरा में बहुत ही प्रसिद्ध है। यत्किंचित सभी भक्तों को अवगत होंगे, लेकिन फिर भी कुछ इस चर्चा के क्रम में इनका भी चरणों में मानो हम प्रणाम करके चलें और इनकी कृपा पात्र होते हुए अपनी आगे की चर्चा को आगे बढ़ाएं, नहीं तो मानो ये रूठ जाएंगे, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। तो पहले साक्षी गोपीनाथ
जो कि साक्षी गोपाल के नाम से परिचित है, लेकिन मूलतः उनके जो रिकॉर्ड में साक्षी गोपीनाथ विग्रह वर्णना किया गया है। गोपीनाथ प्रयोजन के विग्रह कर्षण वेणु सुने गोपी गोपीनाथ श्रेयस्तु न, एक कर्षण करते हैं प्रयोजन के विग्रह। तो अत्यंत कमनीय यह साक्षी गोपीनाथ का विग्रह है, साक्षी गोपाल का विग्रह है। तो कथा बड़ी प्रसिद्ध है। वास्तविक बज्रनाथ जी ने ब्रज में 16 मूल विग्रह निर्माण किए थे। उनमें से कई विग्रह कहाँ कहाँ पे, जैसे कि गोविंद है, गोपीनाथ है, मदन मोहन है, हरिदेव है, गोपाल जोशीनाथ जी हैं और आदि केशव हैं, आदि आदि ऐसे होते 16 विग्रहों के निर्माण उन्होंने किया था। तो उनमें से मदन गोपाल, जो मदन मोहन भी हम कहते हैं, दो गोपाल, मदन गोपाल या साक्षी गोपाल या गोपीनाथ या साक्षी गोपीनाथ, पहले तो ये भी गोपीनाथ या गोपाल थे, बाद में कैसे उनका नाम साक्षी नाम से परिचित हुआ, प्रसिद्ध हुआ, यह कथा बड़ी प्रसिद्ध है। तो साक्षी गोपाल विग्रह जो है गोविंद मंदिर के समीप, आज के समय में जो गोमा टीला है, गोविंद मंदिर के समीप इनका बड़ा भव्य मंदिर साक्षी गोपाल का मंदिर था। तो बहुत वर्षों पहले विद्यानगर प्रांत के दो ब्राह्मण, जो एक थोड़ा ऊंची कुल के ब्राह्मण थे और थोड़ा ब्राह्मण कुल के ही थे, लेकिन ब्राह्मण में कई सारे वर्ग होते हैं, तो उनमें से जो निम्न कुल के जो ब्राह्मण हैं, दोनों तीर्थ यात्रा करते हुए, उत्तर भारत की तीर्थ यात्रा करते करते जब वृंदावन पहुँचे मथुरा में, वृंदावन पहुँचे तो कई सारे विग्रह दर्शन किए, यमुना जी में स्नान किए, गिरिराज जी का परिक्रमा किए और अनेक विग्रहों का दर्शन करने के उपरांत वे जब साक्षी गोपाल, सॉरी उस समय तो साक्षी नहीं थे, सिर्फ गोपाल या गोपीनाथ थे, तो उन विग्रह को देखकर के अद्भुत, तो उनकी महिमा और उनका सौंदर्य को देखते हुए अभिभूत हो गए। तो वे वहाँ पे कतिपय दिवस बास के, इसी बीच में बड़ा जो बड़े विप्र हैं, थोड़ा आयु में बड़े थे, वृद्ध थे, उनका शरीर में कुछ भौतिक जैसे रोग प्राप्त हुआ, तो इसी क्रम में जो छोटे विप्र थे उन कई प्रकार से श्रद्धा से, सद्भावना से, उनकी बड़ी प्रेम से सेवा किया। तो इसी के कारण जो बड़े विप्र बड़े प्रसन्न हो गए और वहाँ वचन दे दिए कि मैं अपनी कन्या का विवाह तुमसे कराऊंगा। यद्यपि छोटे विप्र जो है वो मना किए कि नहीं, आप हमसे आयु में, धन में, समृद्धि में, प्रतिष्ठा में बड़े हैं, तो समाज के अनुकूल नहीं होगा और लोग इसको विरोध कर सकते हैं। नहीं नहीं कोई आवश्यकता है नहीं, मैं तुमको वचन देता हूँ कि मैं मेरी कन्या का विवाह तुमसे कराऊंगा। तो बाद में तो, लेकिन इसके साक्षी कौन रहेंगे? तो बोले स्वयं गोपाल जी हैं, हाँ गोपीनाथ जी हैं, ये साक्षी रहेंगे। तो भगवान के विग्रह के आगे बड़े विप्र ने छोटे विप्र को साक्षी दे दिया, माने भगवान को मान कर, हे गोपाल आप साक्षी हैं और मैं अपना पुत्री का विवाह इनको दूंगा, ये मेरा वचन है। तो समस्त तीर्थयात्रा तीर्थाटन समाप्त होकर के वे जब पुनः वापिस आ गए अपने अपने स्थान में, अर्थात विद्यानगर ग्राम जो कि दक्षिण भारत कर्नाटक कांची प्रांत में आता है, तो जब परिवार में यह संवाद दिया गया कि ऐसे मैंने वचन दिया, तो बाकी जो अनुमान था वैसे ही हुआ। सभी ने विरोध किया, बोले कैसे है, यह संभवपन नहीं है। तब कई दिन बीत गया, जब छोटे विप्र देखा कोई वो वृद्ध विप्र जो हैं जिन्होंने वचन दिया था अपना वचन को निभा नहीं रहे। ऐसा नहीं कि वे उन कन्या को विवाह करने के लिए व्याकुल थे, क्योंकि वे उच्च कोटि के भक्त, भगवान के प्रेमी भक्त थे। भगवान के सामने दिया हुआ वचन जैसे झूठा ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने विचार किया कि भगवान का वचन, भगवान की मर्यादा रहे, भगवान के सामने दिया हुआ जो वचन है वो झूठा ना हो जाए, तो इसे असत्य ना हो जाए, इसलिए वे गए उनके पास। तो उनके जो बाकी परिवार के जो लोग थे वो प्रबल विरोध किए इसका, और विरोध करके बड़ी ही तमाशा किए। बात पंचायत में गया, पंचायत में भी बोले
ठीक है, आप एक पक्ष रख रहे हैं, वो एक पक्ष रख रहे हैं, कौन सा बात सत्य है, कौन सा बात झूठा है, कौन प्रमाण देगा, इसका प्रमाण कौन है? तो छोटे विप्र बोले, प्रमाण स्वयं भगवान है, गोपाल जी के सामने, गोपनाथ जी के सामने यह प्रतिश्रुति दिए थे। बोले, ऐसे ही कोई कोई बोल बोली में बोल दिया, क्या गोपाल आकर के साक्षी देंगे? तो ये तो भगवान के चरणों के प्रति उनका पूर्ण विश्वास था छोटे विप्र का। बोले, हाँ क्यों नहीं देंगे, अवश्य ही देंगे। तो तब जा करके बोले, ठीक है उनको बुला करके लाओ, वही अगर साक्षी देंगे तो निश्चित भगवान साक्षी देंगे, तो क्यों नहीं हम मान्यता मानेंगे। तब पूर्ण पूर्ण विश्वास के सहित, क्योंकि भक्ति विश्वास के सहित ही प्रतिष्ठित होता है, आदौ श्रद्धा, पहले श्रद्धा है। साधारण क्या है, मनुष्य में विश्वास ही नहीं है। हम भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही पुण्य कम होने के कारण, पाप राशि ज़्यादा होने के कारण लोगों का भगवत विग्रह पर, भगवान नाम के प्रति, भगवान के प्रसाद के प्रति, भगवान के शास्त्रों के प्रति, भगवत तत्व के प्रति पूर्ण विश्वास है नहीं। स्वल्प पुण्यवता राजन विश्वास नहीं हो जाएते, पुण्य अत्यंत क्षीण होने के कारण, स्वल्प होने के कारण यह विश्वास जागृत नहीं हो रहा है। लेकिन उन छोटे विप्र थे, उनका पूर्ण विश्वास था भगवान के प्रति, इसलिए पुनः वे वृंदावन की यात्रा प्रारंभ की। और कतिपय दिवस के बाद जब वृंदावन में पहुँचे, तो साक्षी जो गोपाल जी के सामने, वे अपनी कथा को रखे कि हे गोपाल, हे गोपीनाथ, आप कृपा करके मेरे सहित साक्षी देने के लिए चलिए। तो भगवान तो चुप रहे, हाँ साधारणतः ऐसी लीला देखने को प्राप्त नहीं होती कि हम बोलेंगे तो भगवान भी बोल देंगे हमारे प्रत्युत्तर में। तो एक दो दिन वो उपवास किए, भगवान का नाम कीर्तन किए, कठोर व्रत लेकर के भगवान के अड़े रहे कि नहीं, मुझे इनका साक्ष्य लेना ही है। तब जा कर के जब सीमा पार करेगा इनका जो व्रत है, तो ये अपने बात पे अड़े रहे कि मुझे जैसे भी हो गोपाल जी को साक्ष्य देने के लिए लेना है। तो समस्त अनुचल परित्याग करके जब भगवान के सामने वे प्रार्थना करने लगे, विनती प्रार्थना करने लगे, निवेदन करने लगे, तो भगवान को बाध्य होकर के कम से कम न प्रकट हो, कम से कम विग्रह से वो बोलने लगे। बोले कि अरे ब्राह्मण, तूने कभी सुना है कि कोई विग्रह चल के जाता है और साक्षी देता है? ऐसा बोले। तो बाकी भगवान के जो भक्त होते हैं तो वो तो चालाक होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, जय जन भजे कृष्ण से बड़ा चतुर होते हैं। तो वे बोले कि आपने कभी सुना है कि कोई विग्रह कोई बात करता है? विग्रह कोई बात करता है आपने सुना है? तो उनकी बोल को उनकी बोली में ही बांध दिए, बंधन मानो कर दिए, उनकी वचनों के द्वारा, भगवान की वचनों के द्वारा भगवान को ही मानो बांध दिए प्रेम से। तो अगर विग्रह बोल नहीं सकता है तो चल नहीं सकता है, अगर विग्रह बोल सकते हैं तो चल भी क्यों नहीं सकते, इसमें क्या कौन सी असंभव सी बात है? तो भगवान यहाँ पे भक्त के वचन में फंस गए। बाकी भगवान तो भक्तवत्सल हैं, अहम भक्त अपराधीन यशतंत्र व्यवधि साधवी हृदय गस्त भक्ति भक्तजन प्रिय। भगवान भक्त के भक्तजनों के प्रिय हैं और भक्त का वचन को रक्षा करने के लिए निश्चय कार्य करते हैं। सत्यम विधातु निजभृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु आत्मना, कहाँ पे न यह व्याप्त है, सर्वत्र भगवान अंडास्तरस्त परमाणु चयांतरस्तम अणु परमाणु सभी में भगवान व्याप्त हैं, लेकिन विशेष रूप से जहाँ पे आग्रह किया जाता है, आचार्यों के द्वारा जो स्थापित विग्रह होता है, सिद्ध भक्तों के द्वारा जो स्थापित विग्रह होता है, वे प्रकट रूप से, जीवंत रूप से भाव का आदान प्रदान करते हैं। तो गोपाल जी राजी हो गए, अभी ये साक्षी देने के लिए चल पड़े। बोले ठीक है, अभी तो मुझे रास्ते में तुम यत्किंचित जो मेरी सामग्री है तुम मुझे भोग लगाना, लेकिन मेरा एक शर्त है, तुम पीछे मुड़ करके मत देखना, जहाँ पे तुम पीछे मुड़ करके देखोगे मैं वहाँ पे पुनः विग्रह हो जाऊँगा। तो बोले ठीक है, तो ऑफरिंग के समय तो भोग लगाए लेकिन चलते वक्त पीछे नहीं देखना है। तो ऐसे ही व्यवस्था क्या, वृंदावन कहाँ उत्तर भारत और विद्यानगर कहाँ दक्षिण भारत। तो वे इतनी लंबी यात्रा अपने भक्त के लिए साक्षी देने के लिए
गोपीनाथ जी चल पड़े। और ऐसे होते होते रास्ते में भोग लगाते और प्रेम से सेवा करते और बोले थे कि मैं आप मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं, मैं कैसे जानूंगा। तो गोपीनाथ बोले कि ठीक है, मेरे जो चरणों में जो रुनझुन करने वाला जो पायल है, नूपुर है, उसके आवाज़ से तुम पहचान सकते हो, समझ सकते हो कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे हूँ। रुनझुन 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 आवाज़ करता रहेगा। तो भक्त बोले कि ठीक है, आप ऐसा ही करिए। तो ये चल पड़े, चलते 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 समस्त व्यवस्था हुआ और विद्यानगर के गांव के जस्ट जहाँ पे पहुँचे गए, वहाँ पे निकट से ही ग्राम प्रारंभ होने वाला था, लेकिन कुछ बालुकाएँ थीं। तो बालुका के कारण जो गोपीनाथ जी का जो चरण है वो उस बालुका में धस गया, अर्थात बालुका में थोड़ा धस जाने के कारण जो चरण है वो नूपुर का रुणधुन जो शब्द है वो सुनाई नहीं दिया। तो इसमें व्याकुल होकर के विचार के शायद क्या गोपीनाथ जी चले गए क्या, ये तो चोराग्रगण्य चोरों के अग्रगण्य कभी कुछ भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा परीक्षा करने के लिए है या नहीं पीछे मुड़ करके देख लिए, तो गोपीनाथ जी तुरंत ही विग्रह में परिवर्तित हो गए। तो ये रोने लगे, अब इतना प्रयास करके मैं लाया और यहाँ पे आपने ऐसा लीला कर दिया, कैसे होगा। तो गोपीनाथ जी बोले कोई बात नहीं, मैं तो हूँ ही, आप समस्त ग्रामवासियों को, बड़े वृद्ध को, विप्र को और जो भी है महाजन है, पंचायत है, सबको बुलाइए, सबके सामने मैं प्रकट पुनः होऊंगा और इसी स्वरूप में सबको मैं साक्ष्य दूंगा। तो गांव में हल्ला मच गया, सबको ये बुलाए और बुला करके जब सामने रखे और गोपीनाथ जी प्रकट होकर के यह साक्ष्य दिए कि नहीं, इन्होंने ही वचन दिया था कि अपनी कन्या का विवाह इनसे कराएंगे। सभी छोटे विप्र ब्राह्मण की उच्च कोटि के भक्ति को देखते हुए आश्चर्यचकित हो गए। जो भगवान को स्वयं वृंदावन से चला करके यहाँ तक ले आ सकता है, वे परम प्रहलादी, वे कैसे न कितना उच्च कोटि के भक्त होंगे। बाद में यह चर्चा राजा के यहाँ भी चला गया और वे तो विग्रह के रूप में वहाँ पे उपस्थित थे विद्यानगर में। राजा ने भगवान के लिए पुनः वहाँ पे सुंदर मंदिर का निर्माण कर दिया। बाद में जो पुरुषोत्तम देव उड़ीसा के जो राजा बने, वे जब कांची अभियान के क्रम में वे जो वहाँ पे आक्रमण किए और उसी 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 में कांची गणेश नामक एक विग्रह है जो कि अभी जगन्नाथ मंदिर के पीछे है, वो विग्रह और ये साक्षी गोपाल का विग्रह वो लेकर के आ गए उड़ीसा में, क्योंकि इतना चिताकर्षक और मनमोहन कार्य इनका छवि था, दृश्य था। तो बड़े प्रसन्न हुए और सहज ही भगवान के इन सौंदर्य से अभिभूत होकर के उन विग्रह को अपने स्थान अर्थात उत्कल प्रदेश में ले आए। उस समय वो राजधानी कटक था, जो कि आज के समय में आप देखेंगे वहाँ पे कटक में गड़गड़िया घाट है, वहाँ पे चैतन्य महापुरुष गए हैं, वहाँ पे चिन्ह है, चरण चिन्ह है। तो वहाँ पे साक्षी गोपीनाथ के विग्रह को वहाँ पे रखा गया राजवाड़ा के अंदर ही। तो वहाँ पे ये तो ब्रज के ठाकुर है, जहाँ पे भी जाएंगे लीला ही करेंगे। और तो वहाँ पे भी जो भी कुछ गोपी भाव के जो कुछ नारियाँ थी स्नान करने के लिए आती थी, उनका वस्त्र वगैरह चुरा लेते थे और चुरा करके जैसे मानो वृंदावन में जैसे वस्त्र हरण चीर हरण की लीलाएँ हैं वे करते थे और सब परेशान हो जाते थे। और वहाँ पे यह भी अन्य एक लीला हुआ, रानी जो राजा की रानी थी उनकी परम इच्छा हुई कि गोपाल जी को अपने जो हीरक जो नौत पहने थे, नाक में जो नौत पहनते हैं, तो वो गोपाल जी अगर पहनते तो बहुत अच्छा होता, वे भी बड़ा सुंदर लगता। हाँ जैसे कि तो उनकी प्रबल इच्छा हुई, लेकिन पुजारी जी को बोले कि पुजारी जी बोले तो गोपाल जी के नाक में तो छिद्र है नहीं, तो छिद्र नहीं होगा तो कैसे ये नोत पहनेंगे। तो ये बड़े दुखी हुए रानी और ग्लानी में कि मेरी यह अधूरी इच्छा पूर्ति नहीं हो पाई।
तो ग्लानि में परिहूत हो गए। तब रात्रि में गोपाल जी स्वप्न देकर के पुजारी को कहते, अरे नहीं नहीं मेरी माँ यशोदा ने मेरे नाक में छिद्र किया था, और तुमको पता नहीं है जो घी फी लगा करके, चुहा चंदन लगा करके तुम घिस करके मुझे जो सेवा की थी उसमें मेरा जो छोटा छिद्र है वो बंद हो गया है। अच्छे से तुम देखोगे तो वो छिद्र को तुम देख सकोगे। तो अगले दिन जब भगवान का षोड़श उपचार से सेवा पूजा किया गया साक्षी गोपीनाथ का, तो अच्छे से स्नान किया गया, अंग मार्जन किया गया और देखा गया नाक में एक छिद्र है। तो तुरंत वो खबर जा करके रानी के यहाँ वो पहुँचा दिए कि गोपाल जी के नाक में तो छिद्र है, और गोपाल जी खुद कह रहे हैं कि मेरी माता यशोदा ने मेरे नाक में छिद्र किया था। तो रानी भी बड़े प्रसन्न होंगे क्योंकि स्नान का जल जब नाक से भी जैसे बहने लगा छिद्र के द्वारा, तो बड़े प्रसन्न हो गए और उस हीरक जटित स्वर्ण आभूषण जो नौ थे उसको गोपाल जी के नाक में लगाया गया, मार्जित करके उसको संस्कारित करके लगाया गया। ऐसे गोपाल जी भक्त वस्तु वास्तविक भगवान कृष्ण यहाँ पे उसको दंडी कहते हैं, नाक के नीचे एक नोथ लगाते हैं। माताएं इधर लगाते हैं लेकिन नाक के नीचे वे एक नोथ लगाते हैं, जैसे कि वर्णना है ना, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले बक्षस्तले कौस्तुभम नासाग्रे नवमोक्तिकम करतले वेणुम करे कंकणम सर्वांगे सुललितम हरिचंदनम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते गोपाल चूड़ामणि, है ना। नासाग्रे नवमुक्तिकम अर्थात नासाग्र में भगवान मोती का एक नोथ लगाते हैं, उसको कई आंचलिक भाषा में डंडी भी बोलते हैं, तो उसको वे धारण करते हैं। तो गोपाल जी तो भक्त वत्सल हैं, भक्त की इच्छा को वो पूर्ति करते हैं, रानी की इच्छा को वे पूर्ति किए। लेकिन तदनुस्वरूप में यह ये बड़ी नटखट लीलाएं करें, जैसे कि उन गोपी भाव की उन कुछ न्यायों का वो वस्त्र हरण कर लिए आदि आदि सब क्रियाएं जैसे होने लगा। इसी क्रम में हम समझ सकते हैं अन्य लीलाएं भी वे किए होंगे। और जब ये वहाँ पे जो परिस्थितियाँ बड़ा गुरुत्वपूर्ण हो गया, तो वो बाध्य होकर के राजा ने विचार किया कि इनको यहाँ से लेना पड़ेगा। तो साक्षी गोपीनाथ जी को वहाँ से लेकर के बोले कि जगत के नाथ जगन्नाथ हैं जो कि पुरी में प्रतिष्ठित हैं नीलाचल धाम में, तो उनके यहाँ रखेंगे तो ये गोपाल जी तो छोटे बालक हैं वहाँ पे सही तरह रहेंगे और ज़्यादा नटखट लीला नहीं करेंगे। तो ये तो ब्रज के ठाकुर हैं, कहाँ पे जाएँ, द्वारका नाथ के पास जाए, मथुरा नाथ के पास जाए, कहाँ पे जाए, ये कहाँ छोड़ते। तो ये जो गोपाल जी यहाँ पे ला करके जो भोग हुआ, माने जो भोग जिस रास्ते पे लिया जाता है भगवान का, ये सर्वत्र मंदिर प्रतिष्ठा चारों ओर तो मंदिर हो गया था, कहाँ रखा जाए, इनको वहाँ पे रख दिए। एक वो लंबी एक पैसेज है, वो रुद्ध रहता है, कोई देख नहीं पाता। रथ यात्रा के समय उस रास्ते में आप जाकर के उसको देख सकते हैं जब भगवान गुंडीचा में रहते हैं, तो उसी रास्ते में गोपाल जी को रख दिया गया। और इधर जगन्नाथ जी के लिए जो अच्छा अच्छा जो भोग है वो लिया जाता था, अर्थात भगवान तो ज़्यादा चावल दाल सब्जी विविध प्रकार के व्यंजन आदि आरोगते हैं। तदनुस्वरूप भगवान विविध प्रकार के मिष्टान्न हैं और रबड़ी खीर मालपुआ आदि आदि विविध प्रकार के अच्छे अच्छे जो भगवान तो सर्वत जो भी प्रसाद है वो तो अति उत्तम कोटि का है, लेकिन फिर भी जो ब्रज के अनुकूल जो भोग है वो जो उत्तम उत्तम जो
दूध का और दही का आदि आदि विविध प्रकार की जो मिष्टान्न है वे क्या करते थे गोपाल जी, रास्ते में ही उसको गायब कर लेते थे, सब खा लेते थे। तो इधर जब जगन्नाथ जी के सामने देखा जाता है सिर्फ भात दाल ही दिखाई देता था और बाकी जितने अच्छे अच्छे चीज़ सब गायब। तो ऐसा बार बार जब होने लगा तो जगन्नाथ जी भी परेशान हो गए, ये गोपाल बहुत नटखट है, हाँ क्या किया जाए। तो राजा के यहाँ स्वप्नादेश हुआ, बड़पंडा के यहाँ स्वप्नादेश हुआ, अरे ये गोपाल को हटाओ मेरे से, ये बहुत परेशान कर रहा है, सब अच्छा अच्छा चीज़ खा दे रहा है और मेरे लिए सिर्फ भात और दाल ही है। यद्यपि भगवान कृष्ण में और जगन्नाथ जी में कोई भी अंतर नहीं है। वासुदेव घोष बोले कौरी जोड़ो हा, गौर से कृष्ण से जगन्नाथ, जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। तो जय गौर है जो चैतन्य महाप्रभु जो है वही कृष्ण है वही जगन्नाथ है, लेकिन लीला रस के आस्वादन के लिए वे ऐसा करते हैं। तत्व तो एक ही है, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी माने जगन्नाथपुरी के मंदिर में द्वारकाधीश के स्वरूप में मानो कृष्ण के स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं साधारण स्वरूप में, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनको राधा विरह विदुरा विग्रह के स्वरूप में दर्शन किए। जो जगन्नाथ जी ब्रज लीला में ब्रज भाव में इस प्रकार का महाभाव को प्राप्त किए हैं। तत्वगत तो एक ही है, लेकिन फिर भी वहाँ पर जब ऐसे परेशान करने लगे तो राजा ने विचार किया इनको यहाँ से भी हटाना पड़ेगा, इनके लिए अलग से ही भव्य मंदिर का निर्माण हो, अलग से उनकी व्यवस्था हो, तब जाकर के शायद वे प्रसन्न हों। तो गोपाल जी को वहाँ से पुनः वहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर जो साक्षी गोपाल जो अभी जो स्थान नाम से प्रसिद्ध है वहाँ पे उनको प्रतिष्ठा किया। बड़ी सुंदर पूरी मंदिर के तरह ही छोटा एक मंदिर, फिर भी एक भव्य मंदिर निर्माण किया गया। जैसे जगन्नाथ जी का 7-7 टाइम भोग लगता है, 7-7 टाइम आरती होते हैं, अलग अलग जितनी बार भोग लगेगा उतनी बार श्रृंगार होता है और विविध प्रकार का व्यंजन लगता है, लेकिन क्योंकि ये ब्रज के ठाकुर हैं ये तो चावल दाल ज़्यादा खाते नहीं हैं, तो इसीलिए वहाँ पे बड़ा एक व्यतिक्रम है। उड़ीसा में एक ही एक मंदिर है साक्षी गोपाल जी का मंदिर जहाँ पर चावल दाल भोग नहीं लगता, नहीं तो सर्वत्र चावल दाल जो भी है अर्न भोग तो कंपल्सरी होता है भगवत सेवा में, लेकिन साक्षी गोपाल में क्योंकि ये अर्न चावल दाल को छोड़ कर के अच्छे अच्छे रबड़ी मालपुआ खीर आदि मिष्टान्न को खाते थे, इसलिए उनको वही निवेदन किया जाता है, लेकिन सेवा जो शैली है वैसे ही है। तो भक्त लोग इच्छा करें तो वहाँ पे बड़ी सुंदर भव्य दर्शन है, गर्भगृह के अंदर भी पुजारी लोग वहाँ पे ले जाते हैं, बड़ी कमनीय दर्शन है, बड़ी कमनीय छवि है। तदुपरांत भी गोपाल जी कहाँ अकेले रहें, हाँ ये तो अकेला इतने सुकुमार हैं अपना सौंदर्य का भार को त्रिभंग स्वरूप के भार को अकेला भी ढो नहीं सकते, इसलिए टेढ़े हो जाते हैं, तीन जगह पर टेढ़े हैं। और कहाँ राधा रानी तो पास होना ही है, नहीं तो कम से कम बलराम जी पास में रहते हैं, कोई नहीं तो एक गाय तो रहता ही, कृष्ण अकेला कहाँ पे रहते नहीं, जो कृष्ण अकेले रहते हैं माधुर रस के भक्त लोग उनको उपासना नहीं करते। तो वहाँ पे भी लीला किए, वहाँ पे जो एक जो वास्तविक जो बड़पंडा थे उनके जो कन्या थी वो कुछ राधा भाव को प्राप्त करके उस स्वरूप में प्रकट हुई थी। तो गोपाल जी क्या करते, लीला विलास करने के लिए उनके पास चले जाते थे रात्रि में, और कहाँ कभी कभी मुद्रिका वहाँ पर रह गया, और क्योंकि मंगला आरती की जब वेला आती थी तो पुजारी मंगला आरती के लिए जाते थे तो भाग करके गोपाल जी आ जाते थे मंदिर में, तो कभी मुद्रिका रह गई, कभी कटी का आभूषण रह गया, या तो कभी बाजूबंद रह गया, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे सब गायब होने लगा। यत किंचित उस समय तो कोई धनोधान्य की कमी नहीं थी, उत्कल प्रदेश जो है राजाओं के द्वारा बड़ी ही व्याप्त था, बड़ी समृद्धि को ऐश्वर्य को प्रतिष्ठा को प्राप्त करता था, लेकिन जब बारंबार यह सब चीज़ें गायब होने लगा और तदनुसार बहुत दान भी मिलता था तो भगवान के नूतन नूतन आभूषण भी होते थे, लेकिन एक दिन क्या हुआ, भगवान का बांसुरी नहीं मिला। भगवान
बांसुरी छोड़ के चले आए। गोपाल जी गोपीनाथ साक्षी गोपीनाथ जी वहाँ पे बांसुरी छोड़ के चले आए। तो क्योंकि बिना बांसुरी का तो मंगल आरती नहीं हो सकता, बांसुरी लगेगा कृष्ण विग्रह में, बांसुरी ना लगे तो कैसे आरती हो सकता है। तो जब बांसुरी गाए तो समस्त जो व्यवस्था है, सेवा पूजा है, ठप हो गया, एक जगह पे रह गया। तब क्या विचार करें क्या करें, ऐसा विचार करते करते चारों ओर ढूंढा गया और राजा के यहाँ खबर गया। राजा ने सिपाही को भेजा, सर्वत्र अन्वेषण किया गया। अन्वेषण करने के बाद ग्राम में देखा गया बड़पंडा के घर में ही उन कन्या के यहाँ वो दिव्य बांसुरी, स्वर्ण बांसुरी, बकुल वृक्ष के काष्ठ से निर्मित और उसके ऊपर सोना मढ़ा हुआ और बीच बीच में रत्न और हीरक जटित हुआ जो बांसुरी है वो वहाँ पे है। तो सभी आश्चर्यचकित हो गए, पंडा के यहाँ ऐसा है तो यही चोर है, अर्थात यीशु ने मंदिर से चोरी किया है। तो उनके कन्या को और उनको अरेस्ट कर दिए राजा ने। तब जा कर के, क्योंकि ये तो गोपाल जी स्वयं ऐसी लीला करते थे, तो तब पुनः गोपाल जी स्वप्न में बोले, नहीं नहीं उनका कोई दोष नहीं है, मैं ही उनके पास जाता था, इसलिए उनको बंदी गृह से मुक्त करो। तो यथाशीघ्र बंदी गृह से मुक्त किया गया। तो बड़े बड़े जो पंडित थे, भक्त थे, उनको सुझाव लेकर के राजा विचार किए, ये तो गोपाल जी तो वृंदावन से लीला करते विद्यानगर पहुँचे, विद्यानगर से कटक से जगन्नाथपुरी आए, मैंने मंदिर में यहाँ से फिर यहाँ पे भी आए, यहाँ पे भी इनकी लीला बड़ी नटखट लीला समाप्त नहीं हो रहा, ये कैसे शांत हो। तो भगवान तो राधानाथ थे, गोपीनाथ थे, तो सर्व विहूता और सर्वश्रेष्ठा गोपी राधारानी जब तक नहीं रहेंगी तब तक ये ऐसे ही लीला विलास करते रहेंगे। इसलिए सब ने विचार किया कि राधारानी का विग्रह जब रखा जाएगा, उनमें प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा वैदिक शास्त्र मतों के अनुसार, तब ये शांत होंगे। तो ऐसा ही किया गया। निकट में भुवनेश्वरपुरी के बीच में जो एक स्थान है वहाँ पे सुवर्ण अष्टधातु, ज़्यादा सुवर्ण अंश उसमें तब, क्योंकि तब तक अंचन गौरांग राधा रानी है, तो वो विग्रह को निर्माण किया गया और उनको जब प्राण प्रतिष्ठा किया गया शास्त्रों के अनुसार, विधि विधानों के अनुसार, भक्तों के द्वारा, वैष्णव ब्राह्मणों के द्वारा, तो तुरंत ही जो बड़पंडा की जो कन्या थे उन्होंने शरीर छोड़ दिया, मानो वे प्राण प्राप्त किए और ये प्राण विसर्जन किए। तो तब से देखेंगे आप, अभी भी देखेंगे साक्षी गोपाल जी के मंदिर में बाजू में राधा रानी, नहीं कि जैसे राधा कृष्ण वामांगी स्वरूप में रहते हैं, एक ही सामने से दर्शन होता है, क्योंकि उनको बाद में प्रतिष्ठा किया होगा या इसके प्रमाणित होता है, इसलिए बाजू में ऐसे साइड में खड़ी है। वे भी विग्रह बड़म परम कमनीय, ऐसा विशाल राधा रानी का विग्रह, अष्टधातु राधा रानी विग्रह, जो सेवित विग्रह शायद विश्व में कहीं नहीं है। और क्योंकि भगवान का जो उच्चता है, जैसे हम कहा था 6 फुट 3 इंच किशोर अवस्था में रहते हैं, क्योंकि वो स्वयंभू विग्रह हैं, साक्षात भगवान ही विग्रह के रूप में परिवर्तित हुए हैं, तो इसी के कारण वो बड़ी अविरल छवि है, बड़ी सुंदर माधुर्यपूर्ण छवि है। जैसे कल हम वर्णना कर रहे थे भगवान के सौंदर्य की, चरण से लेकर के पैर तक और जंघा तक, नाभि तक, वक्ष प्रदेश, बाहु प्रदेश, उनका ओष्ट, उनका दांत, उनका नाशिका, उनका चक्षु, उनके मुकुलित कुंचित केस, जुड़ा और वास्तविक वो जो किशोर स्वरूप है, देखेंगे वहाँ पे मुकुट पहने नहीं है, ओरिजिनल जब सैना आरती में देखेंगे शास्त्रीय पल वो जुड़ा पहने हैं, जुड़ा अर्थात जुड़ा केस में है, बड़ी परम कमनीय सुंदर विग्रह, और ऐसे नीचे हाथ करके बांसुरी के जो कर्षण वेणु सुनी गोपीनाथ हसरे, तो कर्षण मानो कर्षित कर रहे हैं भक्तों के मनों को, भक्त के हृदय को, भक्त के प्राण को मानो कर्षित कर रहे हैं, अत्यंत सुंदर कमनीय वे गोपीनाथ के, साक्षी गोपीनाथ के विग्रह हैं। तो अभी भी वे लीला करते हैं, अनुभवी भक्त जब वहाँ पे जाते हैं तो उनके से लीला विलास करते हैं, ये वे भी अपना परिचय देते हैं। तो साक्षी गोपीनाथ जी का जो विग्रह परम कमनीय है हर एक हृदय के अंदर में, क्योंकि एक एक मानो एक प्रामाणिक स्वयंभू विग्रह हमारे सामने, अभी कोई उनको निर्माण नहीं किया, निर्माण किए थे वज्रनाभ ने, लेकिन माने प्रतिष्ठित विग्रह से पुनः प्रकट हो गए, और क्योंकि कृष्ण से कृष्ण विग्रह से कृष्णों के पुनः कृष्ण से विग्रह, अर्थात इसी सूत्र से वो निश्चित रूप से एक बड़ी उनकी मान्यता प्रदान होती है।
और सर्वत्र वैष्णव के यहाँ बड़ी प्रसिद्ध है साक्षी गोपीनाथ का विग्रह। तो वे गोपीनाथ हमारे मन मंदिर में, हृदय कंदर में और हमारे प्राण बने, हमारे रग रग में वे गोपीनाथ हमारे आराध्य बने। भौतिक जो क्षेत्र की जो भी विचार है, विमर्श है, उससे हम मुक्त होकर के उन गोपीनाथ जी के चरणों में निवेदन करें, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। तो वो निवेदन करना चाहिए और यत्किंचित जो भी मेरी आशा है कि सभी भक्त उनका दर्शन किए होंगे, अगर कोई नहीं किया होगा तो निश्चित रूप से जाकर के दर्शन करना चाहिए। बड़ी ही कमनीय छटा है, यद्यपि जगन्नाथपुरी के मंदिर के गर्भगृह में भी प्रवेश बंद हो गया है कई एक दो साल से, लेकिन साक्षी गोपीनाथ के विग्रह के गर्भगृह में प्रवेश किया जा सकता है और ये निकटता से उनका दर्शन किया जा सकता है। बड़ी कमनीय उनकी छटाएँ हैं, सब उनका मधुर है। अधरम मधुरम, बदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम, गमनम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। तो वैसे गोपीनाथ हमारे प्रयोजन के विग्रह हैं और हमारे लिए परम उपादेय है। उनकी सेवा, उनकी पूजा और उनकी, वे ही हमारे जीवन के उच्च बने, प्राण बने और मूलाधार बने इस जीवन का, यह हम सबको कामना, आशा, आकांक्षा और उनके चरणों में, गुरु कृष्ण के चरणों में यह निवेदन करना चाहिए। तो वे गोपीनाथ अगर बात कर सकते हैं, चल के आ सकते हैं, तो हमारे इष्ट विग्रह क्यों नहीं ऐसा कर सकते। बस हमारी कमी के कारण, हमारी भक्ति की, विश्वास के कमी के कारण वे बात नहीं करते। अनुविभक्त कहते हैं जो वो एक बार बात करना चालू कर ले, आप चाहे बोलेंगे कि बंद कर लीजिए, तभी वे बंद नहीं करेंगे। तो बस उनका बस मुख को खुलाना है, जैसे बच्चों का ना, जब तक मुख खुलता नहीं है तब तक वो चुप रहते हैं, जब एक बार खुल गया तब तो उनको चाहे भी आप रोक नहीं सकते। तो वास्तविक भक्ति तो विश्वास के सहित, श्रद्धा के सहित ही प्रतिष्ठित होता है। जहाँ में श्रद्धा नहीं है, और श्रद्धा शब्द का अर्थ है विश्वास, श्रद्धा शब्द विश्वास, विश्वास ही श्रद्धा का जो सूचक है। कृष्ण भक्ति कहले सर्वकर्म कृत है, श्रद्धा शब्द सुदृढ़ विश्वास का ही अर्थ है, सुदृढ़ विश्वास ही श्रद्धा कहलाता है। तो अगर ये विश्वास के सहित हम भगवत विग्रह की आराधना करेंगे, सेवा पूजा करेंगे, निश्चित रूप से वे गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन हमारे सामने अवश्य प्रकट होंगे। तो ये तो कोई कपत कल्पित चर्चाएँ नहीं है, वास्तविक आचार्य के द्वारा प्रामाणिक तथ्यपूर्ण कथाएँ हैं और इसका प्रमाण चैतन्य चरितमृत में प्रदान किया गया है। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को कह रहे हैं, उस समय कटक, जब चैतन्य महाप्रभु माने जब ये नित्यानंद प्रभु यह कथा कह रहे हैं तो उस समय कटक में थे साक्षी गोपीनाथ का विग्रह। तो कालक्रम में वे जगन्नाथपुरी होते होते अभी साक्षी गोपाल स्थान में दर्शन दे रहे हैं कलियुगी लोगों को। तो हमारा परम सौभाग्य है कि वे भगवत विग्रह, स्वयंभू विग्रह अभी भी हमारे सामने उपस्थित हैं कलियुगी जीवों को उद्धार करने के लिए। तो समय के अनुसार, काल के अनुसार उनका दर्शन कर सकते हैं और मूलतः वो गोपीनाथ हमारे हृदय के अंदर में स्थापित हो, वो हमारे आराध्य बने, हमारी पूजा के वास्तविक विषय वस्तु बने, ऐसा हम सबको प्रार्थना करना चाहिए। वास्तविक भगवान सर्वत्र उपस्थित है लेकिन विग्रह के रूप में विशेष रूप से सेवा पूजा प्राप्त करते हैं उच्च कोटि के भक्तों के द्वारा और महर्षियों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा, महाजनों के द्वारा वे पूजित होकर के, और भी उनकी शोभा, उनकी सौंदर्य और उनकी इस लीला रूपक पराकाष्ठा वर्धित होता है। तो इसलिए हम सबको ऐसे भगवत विग्रह के प्रति पूर्ण श्रद्धा विश्वास करते हुए, जो कि जीवन का उद्देश्य जो है, संबंध का विद्या और प्रयोजन होते हुए भगवत चरणों में हमारा रतिमति भक्ति उत्पन्न हो, उन गुरु कृष्ण के चरणों में हमको निरंतर यह प्रार्थना करना चाहिए और तदनुसार हमको निरंतर प्रयास भी करना चाहिए। तो कृपा ही एकमात्र आश्रय है, आधार है भगवत भक्ति के सूत्र में, लेकिन हमारा प्रयास भी हमारी ओर से 100% हो तो निश्चित रूप से यह वो दिन दूर नहीं है कि वे गोपीनाथ हमारे लिए भी चल के आ जाए और बात करें, निश्चित रूप से संभव पर होगा। तो कलयुग में नाम सबसे बड़ा प्रभावशाली है, तो इस नाम के माध्यम से अवश्य एक दिन रूप प्रकट होगा, गुण, लीला, चरित्र आदि भी प्रकट होंगे।
ऐसे गोपीनाथ जी के चरणों में हमारा विनम्र निवेदन करते हुए आज की चर्चा को हम यहाँ पे विराम देंगे। 5:10 हो गया है और किसी का अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कल बाकी विग्रहों की चर्चा कर लेंगे, क्योंकि विस्तृत रूप से हल्का विचार किया गया इसलिए समय चला गया। तो किरचोरा गोपीनाथ और तोटा गोपीनाथ, ये दो गोपीनाथ विग्रहों की चर्चा कर लेंगे। उसके बाद हम आगे के श्लोक में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्ण। श्री मधुपंडित गोस्वामी की, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की। तो किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सुन पा रहे हैं सभी? हाँ, दंडवत प्रणाम। हाँ, शिव गोपाल जी के विग्रह के बारे में बताया आप। हाँ, उनका दर्शन मैंने किया। हाँ, कुशल के सब लोगों के साथ में जाप। अच्छा अच्छा। वास्तव में उस विग्रह की जो मतलब ऐसा लगता है कि भगवान वास्तव में आपके समक्ष खड़े हैं। निश्चय निश्चय। 6 फीट करीब, सावर 6। हाँ, 6 फीट 3 इंच के हैं एग्जैक्ट, जो किशोर विग्रह। अगर हम सामने खड़े हैं भगवान के तो हम जा सकते हैं, बिल्कुल करीब तक जाने। हाँ, के लिए गर्भगृह तक जा सकते हैं। बिल्कुल करीब तक जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वास्तव में भगवान जो है एकदम समकक्ष खड़े हैं। निश्चय। हम चाहे जो मांग ले भगवान देने के लिए रेडी। वो तो है ही। कोई व्यवधान नहीं कि हाँ चलो 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 भागो भागो, ऐसा नहीं है, एकदम अविस्मरणीय दर्शन। निश्चय। और राधा रानी भी बहुत आकर्षित है करने वाले हैं, बाजू में जो खड़े हैं वो भी इतने। इतना विशाल राधा रानी विग्रह भी अष्ट माने तो कहाँ पे ही प्राप्त नहीं होते, बहुत ही विशाल विग्रह वो भी। हरे कृष्णा, आपका पॉज हो गया। हरे कृष्णा, सुन पा रहे? हाँ, अभी आया। ठीक। हाँ, उसका भी थोड़ा सा कथा, वो जो राधा रानी का है विग्रह वहाँ पे। हाँ, उनका भी कोई राजकुमारी से संबंधित ही कथा है ना? नहीं, मैं जैसे बोला ना, वो पंडा की कन्या थी और राधा, आपको कुछ निश्चित रूप से ऐसे तो डिटेल वर्णना नहीं है, लेकिन नॉन निर्मूल जनश्रुति ही तो जनश्रुति जनक यह कथा है। ये तो इतने चैतन्य चैतन्य में जब तक यहाँ पे आए वहाँ पे तक वो कथाएँ हैं, वृंदावन से विद्यानगर तक। बाकियों की जो कथा जनश्रुति के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है, और इसी के क्रम में शास्त्र भी कहता है नॉन निर्मूल जनश्रुति, जनश्रुति चर्चाओं को भी निर्मूल नहीं किया जा सकता है। बाकी तो सत्य प्रमाणित ऐतिहासिक प्रामाणिक बात है, ज़्यादा पुरानी भी बात नहीं है, पुरुषोत्तम देव की बात की है सब कथाएँ। तो उड़ीसा में उस स्थान के जो है वो बड़ा प्रसिद्ध है। वो तो ब्राह्मण कन्या थी, तो उसी भाव में जैसे मैं कथा में कहा, वहाँ पे गोपाल जी जाकर के लीला करते थे। बाद में विग्रह जब प्रतिष्ठा, वे शरीर को त्याग दिए, उनकी समाधि भी निकट में दिया गया है उन कन्या की जो। हाँ, वहाँ पर भी दिया गया है। तो ऐसी उनकी लीलाएं हैं। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राधा रानी जो 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 जिनके पास जाते थे गोपाल जी, वो उन जो कन्या की जो समाधि है वो भी निकट में दिया गया है मंदिर से, जस्ट बाजू में बाएं तरफ हमारे से। अच्छा, मैंने वो दर्शन किया था। हाँ, तो वहाँ उनको वो जब मैंने वो विग्रह प्रतिष्ठा हुआ तो ये प्राण विसर्जन कर, अब स्वतः ही वो प्राण चला गया, वहाँ पे उनको समाधि दिया गया। बात तो प्रसिद्ध होगी कि वे राधा भाव को निश्चित रूप से प्राप्त किए होंगे या कुछ गोपी भाव को प्राप्त किए होंगे, इसलिए तो गोपाल जी जाते थे वहाँ लीला करने के लिए। तो ये बात है। ऐसा है नहीं, मैंने वैसे निश्चित वो तो उच्च कोटि के ही कोई
उच्च कोटि की आत्माएं होंगी या राधा भाव को या गोपी भाव को प्राप्त की होंगी, तो लेकिन उनकी समाधि दिया गया अर्थात उनका शरीर तो है, समाधि से प्रमाण होता कि शरीर तो रहा, बाकी निश्चित रूप से तो कोई साधारण आत्मा है नहीं जिनके पास स्वयं गोपाल जी जाते हैं लीला करने के लिए, निश्चित रूप से राधा अंश को या राधा तत्व को या कम से कम गोपी भाव को प्राप्त की होंगी, तब तो जाकर के भगवान वहाँ पर लीला करते थे। तो ऐसा है, निश्चित निश्चित रूप से हर एक जीवात्मा का तो समावेश लीला के सूत्र में भगवत धाम में ही प्राप्त होती है, तो ऐसा कथा है तो हो सकता है, लेकिन वो समावेश होना अर्थात तो ऐसा जैसे कि ब्रह्म ज्योति में लीन होना जैसा नहीं है, ऐसा बोलने की प्रक्रिया होती है। कुछ कुछ जो लोकल पंडे जो होते हैं ब्राह्मण होते हैं तो वो कहते हैं कि ये गोपाल जी में समाहित हो गया, अर्थात भगवत लीला में सम्मिलित हुए वो, ऐसा समझा। उसके बाद ये राधा रानी का विग्रह, हाँ नहीं हाँ जब राधा रानी का विग्रह स्थापन हुआ वो इधर ये भी शरीर छोड़े, ये प्रामाणिक है। तो मानो इसकी प्रतीक्षा थी, अभी भी लीला करते हैं, भगवान की कृपा से हमको भी साक्षी गोपाल में भागवत कथा कहने की अवसर मिला। जब हम उड़ीसा में थे गदईगिरी में तो वहाँ पे सरकारी स्तर में एक भागवत कथा आयोजन हुआ था, तो उसमें मंदिर को प्रांगण भी है, मैंने सुना भी था हाँ, बारे में भी वहाँ जो पंडा जिनके पास में रसीद लिखवा रहा था, हाँ हाँ उन्होंने बोला था हाँ आए थे एक लंबे से, हाँ वो आए थे कथा कहे थे, हाँ यहाँ वहाँ पे कथा हुआ था गृहस्थ धर्म के ऊपर कथा हुआ था, साक्षी गोपाल की लीला भी कहा था मैं, तो बड़े प्रसन्न हुए थे। मैं जो बड़ पंडा है उनके उनके यहाँ भी प्रसाद पाता था मैं, तो मैं 7 दिन रहा, 7 दिन सप्ताह कार्यक्रम हुआ था, बहुत अच्छा लगा। गोपाल जी का प्रसाद, शयन आरती, मंगल आरती सब दर्शन करते थे, बहुत आनंद लगा। वास्तविक वृंदावन ही है ये दोनों विग्रह, एक साक्षी गोपाल जी का विग्रह और ऐसे ही टोटा गोपीनाथ जी, हाँ टोटा गोपीनाथ जी बहुत ही बहुत ही, देखने के बाद प्रभु जी आदमी का शरीर वहीं छूट जाए तो समझिए बिल्कुल बहुत अच्छा कर्म किया है, निश्चय निश्चय ऐसा विशेष विग्रह है पूरे, तो, मैंने इतने भ्रमण मैंने भी किया, हाँ दो विग्रह देखने के बाद आदमी वहाँ आसक्त होकर खड़ा, निश्चय निश्चय। टोटा गोपीनाथ में तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु प्रवेश किए, तो वो भी विशेष, कल हम उसकी चर्चा करेंगे टोटा गोपीनाथ और खिरचरा गोपीनाथ की, तो वे भी बड़ी बहुत ही कमनीय विग्रह है, आदि विग्रह हैं, और ऐसा जो जिन स्वयं भगवान के द्वारा वो प्राप्त किए गए वो विग्रह हैं, एक रामचंद्र के द्वारा खिरचरा गोपीनाथ और इधर महाप्रभु के द्वारा टोटा गोपीनाथ। खिरचरा गोपीनाथ दर्शन किए ज्ञानी कृष्ण प्रभु बालेश्वर में है, हाँ बहुत सुंदर है वो भी, थोड़े छोटे विग्रह हैं लेकिन लेकिन वो उनकी कथा वो भी कल चर्चा करेंगे, आज तो समय हो गया। मैंने पहले आपसे आग्रह भी किया था, हाँ जितने पूरे टीम है, हाँ इस प्रकार की कई बार निवेदन किए हैं सब लोगों ने, हाँ कि आप जो है हम लोगों को भी लेके चले, गोकर्ण कथा के दौरान भी ये बात हो रही थी, निश्चय निश्चय जिस प्रकार कथा भागवत संपूर्ण किए उसके बाद जो भगवान का विमान आया, तो फिर से आपसे निवेदन यही करते हैं कि आप हमें कम से कम जगन्नाथपुरी एटलीस्ट लेके चलिए, निश्चय निश्चय। हाँ क्योंकि उस ट्रिप में हम जो लास्ट टाइम गए थे वो सिर्फ पुरी में ही दर्शन हुआ था, साक्षी गोपाल भी आए नहीं थे, समय नहीं मिला था, और साक्षी गोपाल और खिरचरा गोपीनाथ छूट गए हैं, और नहीं साक्षी गोपाल दर्शन किए थे शायद, हाँ साक्षी गोपाल किए थे, साक्षी गोपाल किए थे, किए थे। अच्छा हाँ दांड मुकुंदपुर में जो ये जो जय गोपाल है, लेकिन ये खिरचरा गोपीनाथ नहीं गए थे, हाँ डिस्टेंस है बालेश्वर में है, तो खिरचरा गोपीनाथ का विग्रह है और हमारे परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज जी के सहित विग्रह गोपाल जी हैं, वो भी दर्शन बहुत ही उनकी लीलाएं हैं, तो राधिका मोहन पुरी बोल रहे थे उन गोपाल जी का भी दर्शन कर, वो छोटे हैं लेकिन बड़ी चमत्कारी उनकी भी लीलाएं हैं, गदईगिरी में है अभी, तो वहाँ पे भी जाएंगे ऐसा विचार है। जरूर कुछ प्लानिंग कीजिए, इसका भार आप किसको देना चाहते हैं दीजिए, मेरे ख्याल से राधिका मोहन को वो ही दीजिए, हाँ और ये जो है सबको समाहित करें और एक सूत्र में बांध के, निश्चय निश्चय अभी इस बार की यात्रा पूरा संपूर्ण रहेगा पूरा। राधिका मोहन प्रभु आपको मंजूर है ना? हाँ बड़ा सौभाग्य।
सात दिन की हाँ यात्रा हर एक विग्रह के पास एक एक दिन, माने माने कम से कम एक दिन वहां पे रहे तो। वही तो वहां की कथा कीर्तन हाँ इत्यादि। निश्चय निश्चय। तो जी ये गड़े के लिए कितना दूर होगा पूरी से गड़े गदेगिरी जगन्नाथपुरी माने भुवनेश्वर से 80 किलोमीटर आएगा, के? 80 किलोमीटर तो मतलब वो जगन्नाथपुर के आसपास है क्या? हाँ जो, हाँ जो जगन्नाथपुर जो ग्राम है माने जो एक्चुअली जगतसिंहपुर से 15 किलोमीटर आ जाता है बालीकुदा, बालीकुदा ब्लॉक है, तो बालीकुदा ब्लॉक में ही गदेगिरी है। जैसे हम बरमपुर से जब पूरी आते हैं तो एक जगन्नाथ रास्ता करके आता है हाँ तो एक उसी के शॉर्टकट भी पास है, में। माने वो जगतसिंहपुर से जगन्नाथपुरी जाने के लिए भी एक शॉर्टकट रास्ता है, हाँ तो एक शॉर्टकट जो रास्ता आड़ी आड़ी उसी वाले रास्ते में, आड़ी नहीं क्या उसका कौन प्रभु से ब्रिज ना आड़ी पिंगड़ा ना आपणों रास्ता था। हाँ आड़ी पिंगड़ा नियाड़ी उसी रास्ते में भी जगन्नाथपुरी जाने के लिए एक रास्ता है, जगतसिंहपुर नियाड़ी के रास्ते में। अच्छा तो एक्चुअली काफी बार हम लोग वो रास्ता होके गए बट वो अभी ध्यान नहीं आ गया गढ़ेगिरी इसके आसपास है तो नेक्स्ट हाँ टाइम जाएंगे तो। अच्छा हाँ वो तो गदेगिरी बालीकुदा ब्लॉक में ही है, यानी जगतसिंहपुर से 15 किलोमीटर आएगा प्राय। तो नेक्स्ट टाइम आपके साथ ही जाएंगे राधिका मोहन प्रभु ज्ञान कृष्ण प्रभु तब जाएंगे निश्चय ना। अच्छा निश्चय निश्चय। ये कोरोना असुर का भय चला जाए सबके मन से और तब यात्रा अवश्य ही होगा। हरे कृष्ण प्रभु हाँ आपके साथ की हरे कृष्ण जगन्नाथपुरी की यात्रा मुझे स्मरणाई। याद आ गई सर। टाटा गोपीनाथ पुरी में जो हमने श्रृंगार आरती रात्रि में आपके साथ दर्शन किए प्रभु मतलब निश्चय अविस्मरणीय यात्रा थी वो। और फिर से निश्चय अगर ये मौका मिल रहा है तो प्रभु मैं बहुत धन्य मानूंगा कि हम लोग फिर चलेंगे आपके सानिध्य निश्चय में। निश्चय। हाँ तो शयन आरती याद आ रहे हैं ना जगन्नाथ जी की। हाँ बड़े श्रृंगार और आरती बड़े सिंगार आरती अच्छा शयन आरती बहुत ही प्रभु अच्छा साहब वो रहा। बड़ा दर्शन श्रृंगार तो आप आरती लोगों जो ने देखा किए है लेकिन जो आपके सानिध्य में जो दर्शन हुआ ना जो आप पूरे रास्ते पर एयरपोर्ट से गाड़ी में कथा भजन कीर्तन फिर जहां नहीं मंदिरों में वो रस प्रभु वैसे नहीं आ सकता बिना आपके प्रभु ये तो हमारी सौभाग्य है कि कहते। महाराज जी की गुरु महाराज जी की आचार्य कृपा है, यत्किंचित जो ज्ञान प्राप्त हुआ है शास्त्रों के माध्यम से या उनके श्रवण के माध्यम से वे ही उसको हम पहुँचाएँ, बस पुनः वो अवश्य ही सुख आस्वादन किया जाएगा निकट भविष्य में, ऐसी उन गोपीनाथ के चरणों में जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी अमृतवा पोवली प्रभु जी दो प्रश्न था। पहला तो ये था प्रभु जी कि इतने सारे डीडीज के की चर्चा हुई तो नाम ही कंफ्यूज हो गया था मैं। प्रभु हाँ जी एक और बस डीडीज का बस सारा नाम बता दीजिए ताकि एटलीस्ट पता रहे। और प्रभु जी दूसरा प्रश्न ये था कि कल मैं जब बता रहा था कि पूछ रहा था आपसे कि जो मधु पंडित हैं उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी और भगवान ने बोला कि नहीं नहीं मैं सबको दर्शन नहीं दे सकता। लेकिन प्रभु जी रामाचार्य जी के जो लीला में एक बार उनको मुझे बता रहे थे तो मुझे समझ आया कि मुझे आपसे पूछना चाहिए था ये बात। हाँ तो रामाचार्य जी के लीला में देखा जाता है कि एक पुरुष जो होते हैं वो जड़ मतलब किसी स्त्री के जो सुंदरता पर हाँ बहुत आसक्त होते हैं हाँ हाँ और फिर रामाचार्य जी अपनी कृपा करते हैं और वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप उनको इनके ये जड़ शक्ति के प्रति इतना आसक्त हैं तो आप इनका मतलब परिवर्तन कीजिए। अपने भगवान को देखकर वो बहुत ज्यादा पछतावा करते हैं और निश्चय आगे जाके बहुत बड़ा भक्त बहुत बनते हैं। लेकिन पिछले कल के प्रश्न में आपने ये बात बोला था कि भगवान सबको नहीं दिखाते तो इसका मतलब एक चीज तो होता है कि अगर भगवान के शुद्ध भक्त अगर कृपा करें तो और भगवान का दर्शन करा दे तो व्यक्ति जो होता है वो भौतिक इच्छाओं या भौतिक सुंदरता से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। निश्चय निश्चय। तो इसको कैसे समझा जाए प्रभु जी? नहीं यही तो यहाँ पे कंडीशन आया कि शुद्ध भक्त की कृपा हो तो वास्तविक रामानुजाचार्य का जब रामानुजाचार्य ने करोड़ों वहाँ ऐसा नहीं कि उस जो यात्रा जा रही थी रंगनाथ की उस यात्रा में कई सारे लोग जा रहे थे, भौतिक लोग भी जा रहे थे, लेकिन रामानुजाचार्य की अनुकूल दृष्टि उस धनुषदास उनका नाम था धनुषदास, तो धनुषदास पे पड़ा जो कि अपने पत्नी के प्रति बहुत आसक्त थे, पीछे मुड़ होकर के जा रहे, माने ये इसकी भी एक योग्यता थी क्योंकि शास्त्र में कहा गया है जो प्रीति कोई ज़्यादा विषयी व्यक्ति हो
अर्थात वो इतने निष्ठा पर अपने पत्नी पर वो आशक्त थे कि वो पीछे पीछे चलते थे और पत्नी को देखते हुए छत्र लेकर के चलते थे। एक क्षण भी अपने पत्नी को न देख करके बिलक में नहीं होना चाहते थे। तो रामानुजाचार्य विचार कि अगर ये भौतिक सौंदर्य के प्रति इतना आसक्त है, माने ये रसिक एक प्रेमी है जो अपने पत्नी के सौंदर्य के प्रति आसक्त है, तब ऐसा निष्ठा पर भौतिक प्रेमी भी नहीं मिलते जगत में। क्योंकि एक सती नारी है तो अनक है, लेकिन पुरुष का जो मन एक ही पत्नी में केंद्रीभूत हो, ऐसा संभव पर होना और इतिहास में प्रमाण पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि पुरुषों का कई नारियों के पास मन रहता है, ये हर एक व्यक्ति अपने अपने व्यक्तित्व में झांक करके देख सकता है। युवा अवस्था में, किशोर अवस्था में कोई ना कोई किशोरी को या कन्या को प्रेम किया होगा, चाहे बोले या ना बोले, प्रायतः। लेकिन अनेक देखा जाता है चेष्ट नारी जो सती नारियों का चरित्र में, ऐसा नहीं प्राप्त होता है। तो रामानुजाचार्य ने विचार किया अगर भौतिक जड़ासक्त के प्रति इतना आसक्त है, यह आसक्त को बस थोड़ा मॉडिफाई कर दिया जाए, परिवर्तन कर दिया जाए कि भगवान के प्रति सौंदर्य को देख ले एक बार, तो उन्होंने यह योग्यता विचार किया। बाकी निश्चित रूप से कोई आचार्य के साथ, कोई शुद्ध भक्तों के साथ हम संश्लिष्ट होते हैं तो इसके लिए भी एक योग्यता की आवश्यकता है, उसको संबंध कहते हैं। पूर्व जीवन से संबंध होना चाहिए या स्वीकृति होना चाहिए, अर्थात ज़्यादा पुण्य हो पूर्व जीवन का, तब जाकर के कोई आचार्य के सहित हम संश्लिष्ट होते हैं, अर्थात शुद्ध भक्तों के। तो उनकी योग्यता शायद यह थी, पूर्व जीवन का संबंध होगा, स्वीकृति होगा, दोनों ही जागृत हो गया और इस जीवन की भौतिक आसक्ति को देखते हुए रामानुजाचार्य की कृपा उनके प्रति होगी, तो उन्होंने अनुरोध कर दिया। तो ऐसा ही मानो हम भी जब ब्रह्म संबंध से प्राप्त करते हैं, गुरु तो हमको कृष्ण के पास ले जाने के लिए ही सदुपदेश देते हैं, बस उनका सदुपदेश पालन करना है। नाम अगर निरपराध भाव से, निष्काम भाव से लेंगे, क्यों ना वो जैसे धनुषदास को रामानुजाचार्य ने रंगनाथ जी का साक्षात स्वरूप दर्शन करा दिया, हमें भी वो दर्शन होंगे अगर हम वैसे गुरु के अनुकंपित शिष्य होंगे, जीवात्मा होंगे, अवश्य ही वे भी हमको दर्शन कराएंगे, इसमें कोई संशय है नहीं। मतलब यही है प्रभु जी की योग्यता, मतलब जानने के लिए भी योग्यता चाहिए ना, निश्चित। 1% जो आप बोलते हैं कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में अपना अकाउंट 1% होता है, 99% वैष्णव या शुद्ध भक्तों की कृपा होती है, वही 1% यहाँ पे मैटर करता है। हाँ निश्चय निश्चय, यही उनकी योग्यता थी, स्वीकृति थी। हाँ डिटिस, डिटिस आज हम चर्चा किए साक्षी गोपीनाथ के बारे में, जो साक्षी गोपाल नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन रिकॉर्ड में उनका नाम साक्षी गोपीनाथ है। और साक्षी गोपीनाथ विग्रह और खीर चोरा गोपीनाथ जो माधवेंद्रपुरी के लिए प्रकट हुए, मैं कल चर्चा करूँगा। और तोटा गोपीनाथ के विग्रह हैं, ये तीनों के बारे में चर्चा किया। और रास्ते में और एक आते हैं जो प्रभु जी चर्चा कर रहे थे, दांडा मुकुंदपुर में जय गोपाल है, उनका भी हम कल चर्चा कर लेंगे थोड़ा। जय गोपाल और गौरगंध महाराज का सेवित विग्रह जो गोपाल हैं, जो गदेगिरी में है, उनके नाम आज लिया गया। बाकी इसी दिनों में तो गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जो कि वज्रनाम के द्वारा प्रतिष्ठित विग्रह हैं, हरिदेव हैं, श्रीनाथ जी हैं, आदि केशव विग्रह हैं, वे भी वज्रनाम के द्वारा प्रतिष्ठित विग्रह हैं। साक्षी गोपाल भी मूलतः वज्रनाम के द्वारा प्रतिष्ठित है। ऐसे कई सारे विग्रहों की नाम चर्चाओं में आज आया है। लेकिन चर्चा सिर्फ साक्षी गोपाल अर्थात साक्षी गोपीनाथ जी का किया गया विस्तृत रूप से। तो कल हम खीरचोरा गोपीनाथ, तोटा गोपीनाथ, अन्य जो एक दो विग्रह हैं उनकी चर्चा करके प्रयोजन के विग्रह गोपीनाथ जी की चरणों में हमारा विनम्र निवेदन, जो साक्षात विग्रह के रूप में प्रकट हैं, उनकी करते हुए आगे हम बढ़ेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और किसका प्रश्न है, नहीं तो हम विराम करें। रोजी आपकी कृपा में कब होगी? आप सभी कृपालु हैं, कृपा प्राप्त हैं, बस हम एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं और यथाशीघ्र ही हम सब मिलेंगे नोएडा में या आगे की यात्राओं में। नोएडा में मैं, आप जो बोल रहे थे ना यथाशीघ्र हम मिलेंगे, तो मुझे लगा कि आप हमें सब लोगों को गोलोक लेके जा। अवश्य ही अवश्य ही अवश्य, वो भी निश्चित रूप से होगा। इस जीवन की भक्ति की स्वाद को और आनंद को हम आस्वादन करें इस नाम के द्वारा, रूप के द्वारा, गुण के द्वारा, लीला के द्वारा, चरित्र के द्वारा। क्योंकि यहाँ पे जो विप्रलंब भाव है और जो
तो गोविंद महाराज कहते जो सेपरेशन का जो भक्ति है, विप्रलंब जो भाव का जो भक्ति यहाँ पे संभव है, वहाँ पे तो प्राप्त है, वहाँ पे तो संभ्रम है, अर्थात वहाँ पे विप्रलंब है नहीं। तो यहाँ पे विप्रलंब रस से हम भक्ति को आस्वादन करें महाप्रभु के अनुगत्य में, गुरु कृष्ण के अनुगत्य में, ये जीवन हमारा महिमा मंडित हो भगवत भक्ति के सूत्रों में। ये भी उत्कर्ष सुख को इस जीवन में ग्रहण करना है, ना कि बस ये चर्म शरीर में, आहार निद्रा भय मैथुनत्वक शरीर में, या पूजा प्रतिष्ठा लाभ द्वेष राग द्वेष हिंसा कपट में ही जीवन चला जाए। हमारा तो ऐसा नहीं होगा, हम सभी भक्तों का गुरु परंपरा कृपा से यत्किंचित भक्ति मार्ग में हैं, लेकिन बहुत और भी आगे बढ़ना है, और यत्किंचित अपने दोषों को, दुर्गुणों को, विकृतियों को और संस्कृति के चक्र को नष्ट करके, छिन्न करके हमको आगे जाना है। तो इसीलिए ही शायद ये सूत्र हमको प्राप्त हुआ है। यत्किंचित सभी को 100% अपना प्रयास करना चाहिए। वो दिन निकट, ज़्यादा दूर नहीं, अत्यंत निकट है कि हमको भी वो संबंध प्राप्त हो, प्रयोजन अविधेय और प्रयोजन भी प्राप्त हो। हरे कृष्ण। नहीं नहीं, अवश्य साधु तो कृपा करने के लिए ही है, बस हु इज अंडर डिसिप्लिन इज डिसाइपल। जो डिसिप्लिन में हम रहेंगे तो कृपा हो ही जाएगा। बस हमको डिसिप्लिन में रहना है, अर्थात साधु के वाणी सेवा करना है, कम से कम जो साधु कहते हैं उसके अनुसार हम चेष्टा करेंगे, यत्किंचित चेष्टा करेंगे तो अवश्य साधु कृपा करेंगे और वो सूत्र प्राप्त होगा, निश्चित रूप से निकट में ही प्राप्त होगा। संबंध हुआ है तो सूत्र देने के लिए है ना, साधु तो सिर्फ दिखाता नहीं, दिलाता भी है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ठीक है, आज की चर्चा को यहाँ पे विराम करते हैं, 5:30 हो गया है, तो कल पुनः कुछ विग्रहों की कथा सुनेंगे जो गोपीनाथ नाम से अभिहित हैं, तो इसी सूत्र में हम कल की कथा को कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण। आप थे क्या? श्री राधा गोपीनाथ भगवान की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, श्रील गुरु महाराज की, समवेत भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि वो। हरे कृष्ण।